और छपरा में सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के लोग प्रताड़ित हैं। हम जितना मर्डर में आए सामाजिक न्याय के लोग मारे गए। आप जिस तरीके की हरकत करते हैं तो किसी न किसी समाज पर तो असर पड़ता ही। और यदि उन्होंने कह दिया कि अब मेरा माँ काम नहीं करेगी, थाना प्रभारी जो अरेस्ट करके छोड़ दिया जिस किसी के कहने पर, कहा जाता है कि ऊपर से नीचे वो रसूखदार लोग हैं, पहले वाले लोग हैं, दरगाह के गांव में अकेले हम जाकर के उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। समाज के पिछड़े दलित गरीब और यादव लोगों का मोटरसाइकिल गाड़ी सब छीन लिया था। मतलब 12 घंटे के अंदर कहीं कुर्की हो जाएगी और 72 घंटा हो गया, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। इस परिवार के लिए अभी 30,000 रुपया हमारी पार्टी की ओर से हमारी और इस परिवार के सम्मान की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। आप बेफिक्र रहिए, मैंने SP साहब से भी बातचीत की। इस केस के मामले में पूरे बिहार में यह केस आज हाईलाइटेड। सरकार को 20,00,000 रुपया अविलंब, इस बच्ची को नौकरी, SPD ट्रायल और फांसी की सजा। थाना प्रभारी जो अरेस्ट करके छोड़ दिया जिस किसी के कहने पर, कहा जाता है कि ऊपर से नीचे वो रसूखदार लोग हैं, पैरवी वाले लोग हैं, ऊपर से नीचे उनकी पैरवी है, जाति के आधार पर ऊपर से नीचे भी लोग हैं। तो इसमें कोई जाति का तो सवाल है नहीं, जो मारा वो अपराधी है। यहाँ कोई जाति या पाति हम तो कर नहीं रहे, लेकिन यदि आप जाति के आधार पर कहीं मारिएगा और किसी की माँ को आजाद हिंदुस्तान के बाद अब गरीब और कमजोर तबके के लोग का बच्चा मजदूरी करके अपने माँ को किसी का पत्तल उठाने यदि नहीं देता है, उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुँचता है। और एक गरीब परिवार के लोगों ने यदि टेम्पो खरीदकर अपने माँ की सम्मान के लिए मजदूरी और कितना मेहनत करने लगा, और यदि उन्होंने कह दिया कि अब मेरा माँ काम नहीं करेगी, तो फिर क्या ये जो शोषण है, ये जो सामंती मानसिकता है, चाहे जिसकी भी हो, पप्पू यादव की हो, पप्पू झा की हो, पप्पू महतो की हो, पप्पू सिंह की हो, ये जो आप सामंती मानसिकता आजाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद, आज भी आपके लिए कानून का डर नहीं है? आज भी आपके भीतर आपको समाज का डर नहीं है? आजाद हिंदुस्तान के बाद एक बड़ा युग होता है, परिवर्तन हुआ है, तब भी आपको ये आपको नहीं समझ में आता है कि जिसको आप मार रहे हैं क्या वो भी समाज के में मजबूत वर्ग से आते हैं, समूह से आते हैं? कल इसका बदला और प्रोटेक्शन क्या होगा? तो आप जिस तरीके की हरकत करते हैं तो किसी न किसी समाज पर तो असर पड़ता ही। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे समाज पर भी असर पड़ेगा। हमारा जैसा आचरण चरित्र होगा हमारे सोसाइटी पर भी असर पड़ेगा। इसके लीडर कैसे हैं? कारणों के पीछे तो सिर्फ सामंती मानसिकता और लगातार समाज का एक्सप्लॉयटेशन, रसूख और ताकत के बदौलत अब आप ये अपने रास्ते रोक लिए। ये हिम्मत इस आजादी के बाद 20 साल नीतीश कुमार जी राज किए हैं, 15 साल, अब 20 से 15 आप जोड़ लीजिए 35 साल 37 साल लगातार सामाजिक न्याय के लोग कहते हैं कि मैं राज कर रहा हूँ। और छपरा में सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के लोग प्रताड़ित हैं। हम जितना मर्डर में आए सामाजिक न्याय के लोग मारे गए हैं, आप उठा करके देख लीजिए। छपरा, गोपालगंज, सिवान में हम हजारों बार, सैकड़ों बार आ चुके हैं, मर्डर से लेके शराब से लेके अन्य चीजों में। यहीं पर आपको याद होगा पुलिस ने क्या हासिल किया था, राजपुर मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं, विधायक हैं, उनके गांव में घेर करके मारपीट किया था इन लोगों ने, घेर करके दरगाह के गांव में अकेले हम जाकर के उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। हरकिशोर राय SP थे यहाँ पर, सारे समाज के पिछड़े दलित गरीब और यादव लोगों का मोटरसाइकिल गाड़ी सब छीन लिया था। कितनी बुरी दुर्गति की थी। अभी पूर्व मुखिया की हत्या इन्हीं के यहाँ हम गए थे, 3 बार मुखिया रहा, उसको गोली मार दिया, कोई न्याय नहीं। मतलब 12 घंटे के अंदर कहीं कुर्की हो जाएगी और 72 घंटा हो गया, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, इस पर हम DIG से लेकर के IG सबसे बात करेंगे,
इस परिवार के लिए अभी 30,000 रुपया हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेता भी अध्यक्ष भी हैं, हमारे भाई भी हैं, मुखिया जी भी हैं, हमारे सारे युवा सभी प्रकोष्ठ के सारे नेता हैं, इन लोगों के तरफ से 30,000 रुपया अभी बच्ची को दिया गया है। आगे इनकी बच्ची जो छोटी बच्ची है उनके अकाउंट में 50, जब वो बड़ी होंगी तो बहुत ज़्यादा पैसा उनको हो जाएगा। इस परिवार की सुरक्षा और इस परिवार के सम्मान की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। आप बेफिक्र रहिए, मेरे लिए जाति नहीं है, मेरे लिए गरीब बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे राजनीति नहीं आती। हमने सोशल मीडिया पर देखा, सरवन जी को फ़ोन लगाया और हम मिलने चले गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारा कौन है। अब जो मानसिकता है इसको खत्म करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि गरीब का शोषण संभव नहीं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।